आज की कहानी है खजाने की खोज। एक गांव में बसंत नाम का एक किसान अपनी पत्नी और चार लड़कों के साथ रहता था। बसंत खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। बसंत जितना मेहनती था, इसके विपरीत उसके चारों लड़के उतने ही आलसी थे। चारों गांव में इधर उधर आवारा घूमते रहते थे। एक दिन बसंत ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। बसंत की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और बसंत के लड़कों में कोई बदलाव नहीं आया। वो वैसे ही थे, यानी कोई काम नहीं करते थे। एक बार बसंत बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। फिर उसकी पत्नी चारों बेटों को बुलाकर ले आई। बसंत ने अपने चारों बेटों से कहा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है, वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद बसंत की मृत्यु हो गई। बसंत की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।